कोरोना वायरस की तीसरी लहर के अंदेशे से पहले ही देश के तमाम राज्य इस वक्त वायरल फीवर से जूझ रहे हैं। यूपी समेत कई राज्यों में कोरोना का असर तेजी से बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी हालात पटरी पर नहीं लौट रहे हैं। देश के तमाम राज्य इस वक्त वायरल फीवर से जूझ रहे हैं। यूपी, MP, बिहार और अब दिल्ली में भी ये तेजी से बढ़ रहा है। वायरल फीवर दिल्ली की स्थित सर गंगाराम की OPD में 80% बच्चे वायरल फीवर की चपेट में हैं। कोरोना की दूसरी लहर अभी भी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुई है कि वायरल फीवर ने देश के तमाम राज्यों में पैर पसारना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीते 24 घंटे में 25 लोगों की मौत हुई है। वहीं टोटल 61 केस नए आए हैं। मथुरा के गांव में तेजी से बढ़ते केस से काफी दहशत है। वहीं फिरोजाबाद में 430 नए मामले आए हैं। वही बात की जाए कोरोना की तो 10 राज्यों में तबाही मचाना शुरू कर दिया कोरोना ने, तो कुछ राज्यों ने तीसरी लहर को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया है। जैसे मणिपुर में आज से 10 दिनों तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिए गए। वही बात की जाए मिजोरम की राजधानी आइजोल की तो यहां पर भी 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिए गए। और कई राज्यों ने तो स्कूल भी बंद कर दिए, जैसे तमिलनाडु, मणिपुर, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन सभी ने स्कूल को बंद कर दिया। और लेकिन कई राज्यों में स्कूल खुले हुए हैं और जिन राज्यों में स्कूल खुले हुए हैं तो वहां से कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बच्चे बहुत ज्यादा कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। इसलिए राज्यों को स्कूल बंद कर देना चाहिए। जब तक 18 साल से नीचे वाले बच्चों को वैक्सीन पूरी तरह से नहीं लग जाती तब तक किसी भी राज्य को स्कूल नहीं खोलना चाहिए। अभी 1 से 12 तक के स्कूल को बंद कर देना चाहिए।